गरियाबंद का एक गांव 3 दिन से अंधेरे में डूबा हुआ है। विद्युत विभाग ने बिजली बिल जमा नहीं करने का हवाला देकर पूरे गांव की बिजली काट दी है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली नहीं होने से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने विभाग पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द बिजली शुरू करने की मांग की है। ग्रामीण विभाग की कार्रवाई से नाराज है और विभागीय कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी है। लोग तो अच्छा नहीं किए, हाँ। क्या है, शासन जो बिजली का बिल है समय अनुसार वसूल कर देना चाहिए। रहते रहते 2-4-5-10 साल हो गया, कोई पटाए नहीं पटाए, वो जैसे चल रहा है उस आधार से चलना चाहिए, हाँ। और समस्या का हल होना चाहिए, हाँ। किसी को माने जो पटाए वही परेशान और नहीं पटाने वाले भी परेशान है। पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है ना, अभी परीक्षा भी नजदीक में है तो इसलिए दिक्कत हो रहा है पढ़ाई करने में। चिमनी चिमनी में पढ़ रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है ना चिमनी में। गाँव में ये स्थिति है कि वहाँ मेन स्विच में काटा गया है और अनेक प्रकार का समस्या का किसी भी घर में नहीं है। नहीं, 50% यदि पट जाता है तो खंबा से काटा जाएगा, नहीं तो पूरा काटा जाएगा बोलते बोले। अभी हम लोग बिजली ऑफिस का घेराव करना चाहते हैं और कल से हम लोग घेराव करेंगे। कंपनी के सेक्रेटरी का निर्देश है कि जिस गाँव में 75% से अधिक भुगतान नहीं करते वहाँ इस प्रकार की कार्यवाही करके भुगतान करने का मौका दे करके कैंप लगा करके प्रयास किया जाए, उसके पश्चात भी भुगतान नहीं करते तो कार्यवाही की जाए। इसमें अगर वो 25% भी भुगतान कर देंगे इस आदेश अनुसार जो सचिव महोदय का है तो उन्हें उनकी लाइन जोड़ दी जाएगी।